हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रॉस्पेरिटी वर्ल्ड। तो आज का जो हमारा एग्ज़ाम का टॉपिक है वो है एम एस सेट के ऊपर। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी किया है एम एस सेट के ऊपर। तो क्या नोटिफिकेशन है, क्या है इस बारे में, तो मैं आपको इस चीज़ बता देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एक पीडीएफ है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अपने वेबसाइट पर डाला है, मैंने वहाँ से इसको डाउनलोड किया है। तो अब इस पीडीएफ में क्या है, मेनली हम इस बारे में बात करने वाले हैं, एम एस सेट के बारे में क्या अपडेट है उस बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ सी ए टी एप्लीकेशन फॉर्म अनलॉक 2.0 1.0 एक्सटेंशन नोटिस नंबर 5 है। नोटिस नंबर 5 है जो भेजा है, 2 जून को भेजा था, बट मैं इसका वीडियो थोड़ा लेट बना रहा हूँ, 4 जून है आज। तो जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की डेट को जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें कई सारे एग्जाम आते हैं, बीपीईडी, बीएड, एमएड, एमपीईडी, बीएससी, एमएड, बीएड, जनरल स्पेशल बीएड, एलएलबी 3 ईयर्स एंड एलएलबी बीए, एलएलबी 5 ईयर्स। बीएलएलबी मतलब ऑल एलएलबी, बीएलएलबी, बीबीए, एलएलबी। तो बीबीए, एलएलबी 5 ईयर्स कोर्सेज के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग डेट है वो उसको आगे कर दिया गया है। आप यहाँ पे, मैं अगर नीचे स्लाइड में यहाँ पे जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इज नाउ डिक्लेयर अनलॉन वन पॉइंट, जब स्टेट गवर्नमेंट ने 1.0 डिक्लेयर किया तो 1 जून को। तो जो इसके एग्जाम डेट है, हम सीधा उस पर बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है आज का। तो इन व्यू ऑफ रिक्वेस्ट द फोर्थ कैंडिडेट सी ए टी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म फिलिंग कोर्सेज ट्यूजडे, मतलब जो लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग का था 2 जून, अब वो बढ़ा के कर दिया गया है 8 जून। तो अगर आपने अभी फॉर्म नहीं भरा है तो अभी भी आपके पास जो है वो 4 दिन है। आप 8 जून को रात के 12 बजे तक, 11:59 तक जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट टाइम है ये अपडेट शेड्यूल मेंशन करो। और अगर हम इसके अपडेट शेड्यूल की बात करें, चिंता मत कीजिए, आपको जो ये पीडीएफ है ये आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसको इजीली वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम शेड्यूल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बीएड का एग्जाम है वो 8 जून, मतलब बीएड का जो फॉर्म था वो, मतलब सबके फॉर्म है, बीएड, एलएलबी, एमएडी, बीएड, बीएड, बीएससी के, उनको 8 जुलाई से बढ़ा के, मतलब 2 जून से बढ़ा के 8 जून कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटेंशन टू द फॉर्म फिलिंग अप टू, मतलब 8 जून तक जो है वो आप इसके जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरे कोर्स के, यहाँ पे जितने भी कोर्स करवाता है एम एस सेट वो सारे यहाँ पे दे रखे हैं। एग्जाम की अगर हम यहाँ पे बात करें तो 15-16 जुलाई को बीएड का, 6 अगस्त को बी एल एल बी का है, ठीक है, 24 जुलाई को एम एड, 24 जुलाई को इसके मेनली सारे एग्जाम होने हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 24 जुलाई को बी एल एल बी, एम बी डी, बी एड, एम एड, सारे एग्जाम जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो 24 जुलाई को होंगे। और बाकी एग्जाम का शेड्यूल 15-16-6 अगस्त को भी रखा गया है। तो आज का मेरा नोटिफिकेशन यही था आपको देने का पर्पस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को खोल के देखते हैं तो आपको इसी टाइप की वीडियो जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम वाइज, मतलब कौन सा एग्जाम पोस्टपोन, रिजल्ट, एडमिट कार्ड वगैरह की जो नोटिफिकेशन में डालता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टिल बाय बाय।